अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। देखो तुम्हारी सायरा आंटी बुड्ढी हो गई, सारे बाल हो गए सफ़ेद, लेकिन मैं बुड्ढी बन के नहीं रहूँगी, मैं जल्दी से जल्दी इसको काले कर दूँगी। कुछ अच्छा दिया वो, अभी बस उन्होंने आज का अपॉइंटमेंट दिया है तो अभी जा रही है, हो गया इंशाल्लाह। अभी तो जुड़ गया है ना, ज़बरदस्ती गेट पे जा रही थी इसके साथ में, और एक बच्चा आके गाड़ी ठोक दी और ब्रेक हो गया। चलो ऊपर वाला कुछ ना कुछ बड़े मुसीबत से बचा के छोटे जगह पे। हाँ मेरा भी ठीक है। आप ठीक हो ना? मैं कंफ्यूज हो गया कि आप अभी देख ही रहे हो कि ये देखो, अभी ये जो लेडी जा रहे थे ये हमारे नीचे वाले फ्लोर पर रहते हैं, वो मेरी तबीयत का ही पूछ रहे थे तो मैं उनसे बात करते करते कट कर दी थी। तो अभी आप देख रहे हो कि मैं बाइक पे हूँ, ये कब से जिद कर रहा है कि गाड़ी से चलो, और मुझे बिल्कुल गाड़ी पसंद नहीं। देखो मेरी गाड़ी बाहर भी पार्क, पीछे साइड में भी पार्क है, और वहाँ मेरी गाड़ी अंदर पार्किंग में भी है। देखो मेरी बाइक। हाँ तो मुझे नहीं पसंद है, मुझे ये पसंद है कि क्योंकि ये ट्रैफिक से जल्दी लेकर जाती है। और ये देखिए मैंने सारा पूरा सामान लेकर निकली हूँ, ये मेरे डॉक्टर का फाइल्स है, आज मेरा उनका अपॉइंटमेंट है तो इंशाल्लाह मैं वहाँ जा रही हूँ, जो प्लास्टर मेरे पैर में चढ़ा है उसके लिए। और दूसरा मैं जा रही हूँ, जो मैंने यहाँ के धनतेरस में जो मैंने यहाँ के इयरिंग्स वो बनाई थी, टॉप जो कान के जो पहनने के बनाई थी, तो उसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है तो वो उसको ठीक करने जा रही हूँ। और उसके बाद में फिर जा रही हूँ कहाँ, हाँ ये नेल्स, ये देखो आपको दिख रहे हैं मेरे नेल्स, ये देखो कल मैंने एक नेल्स इसका निकाल दी हूँ और कहाँ गया इसका एक निकाल दी, तो अभी मैं जा रही हूँ इसको सारे नेल्स को रिमूव करने के लिए। और उसके बाद में रास्ते में देखते हैं कुछ चटक पटक भी तो खाएंगे ज़रूर, तो आज इसकी डाइट का लगता मुझे कि चकनाचूर होने वाला है। और कल मैंने मेहंदी लगाई थी तो अभी तक उसकी मेहंदी नहीं चढ़ी, बिकॉज मैंने सारा काम करी हूँ पानी वाला। तो चलो चलते हैं, फिर थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाए, और मेरे बहुत सारे काम लेकर निकली हूँ, वो काम कर कर भी आती हूँ और आपको सारी चीज़ें घुमा कर फिरा कर और साथ में ले लेकर घूम रही हूँ। ठीक है, अमीन 20 साल का है बट मैं खाती हूँ 22 साल से, और ये जगह पे मैं आती हूँ 22 साल से। और ये इसके सामने कितना साल का था अमीन बता? बोलता नहीं है, 1-2 साल का था ना। और जब से इसके हाथ से हम लोग सैंडविच खाते हैं, फेमस मलाड़ का कॉर्नर वाला चीज़ सैंडविच। इंशाल्लाह आप आइए, बहुत मज़ा आएगा। गाने मजा आने वाला है ना। मम्मी क्या मैं ऑपरेशन कराने जा रही हूँ, जा रही तो है ऑपरेशन थिएटर। बाय बताओ, पहले बताओ एक लास्ट बार कैसा है बताओ। पेन तो हो रहा है बहुत, क्लीन करते हैं घर जाकर। अल्लाह का करोड़ ऐसा ने करोड़ देगा, बस बुरी नजरों से बुरी बलाओं से अल्लाह बचा कर रखे, यही दुआ अल्लाह से। बट पर अभी ठीक हो जाएगी ना, अभी भी ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो ऐसी लंगड़ कर चल रही है। ज़्यादा बड़ा है। देखो ये मैंने लिया था धनतेरस, और धनतेरस के टाइम थोड़ा सा इसका ये नोक हो गई थी छोटी, तो अभी अंकित ने मस्त बड़ी कर दिया। और मैंने पहन भी लिया, अब हमेशा पहनूंगी क्योंकि अमीन बहुत चिल्लाता, इतने अच्छे लगते हैं आप पहनते नहीं। और आपको एक बात बताओ, ये भी हो गया मेरा, अब मैं जा रही थी घर, और घर जाके अभी मैं करूँगी पैर मेरा क्लीन। और चलो आज मौका मिला है तो अंकित को थैंक्स बोलूंगी क्योंकि अंकित ने मेरे से बिना बोले बिना पूछे मेरे लिए ट्रॉली भेजा था। तो यही मौका है कि मैं मेरे अंकित मतलब मेरा बेटा ही हो तो उसको थैंक यू बोलूंगी। बेटा मतलब मेरा ज्वेलर से पर मैं उसको बेटा बोलती हूँ। तो अंकित थैंक यू सो मच। दोपहर के निकली हूँ, अब घर आई हूँ और अभी जस्ट मेरा पैर का प्लास्टर निकल चुका है लेकिन उन्होंने बहुत केयर करने बोला है। और पता ही है आप लोगों को भी कि हमारे एज में हमारी हड्डियाँ हमारी जो बोन्स होती है बहुत कमज़ोर होती है तो डेफिनेटली हमको वैसे भी ख्याल रखना चाहिए। 45 के बाद तो हमको वैसे भी ख्याल रखनी चाहिए। तो मेरा तो अभी 50 होने वाले हैं तो मुझे तो रखना ही पड़ेगा। और माशाल्लाह एक्सरे की रिपोर्ट भी बहुत अच्छी है, हड्डी भी हमारी जुड़ गई है। सारे काम से फारिग होके अभी जस्ट मुझे 9 बज गया घर आते आते। और रास्ते में ये देखिए अगेन मुझे गिफ्ट मिला है क्योंकि मैं आर्टिफिशियल आपको पता है बहुत कम पहनती हूँ लेकिन जिन बच्चों का मैं प्रमोशन देते रहती हूँ तो ये जो बच्चा है हमारे एरिया का है, ये बच्चे ने कभी प्रमोशन के लिए नहीं बोला मुझे लेकिन जब भी कोई नई चीज़ आती है तो वो अंदर से पहले निकाल के मुझे बोलता है कि आप ये पहनना। तो उन्होंने ये मुझे बोला कि ये नया वाला लेकर आइए आप ज़रूर वेयर करना। तो मैं वो बच्चे के लिए ज़रूर पहनूंगी। आपके मैच भी हो रहे देखो आज आपके कपड़े पे। इंशाल्लाह मेरे पास बहुत सारे मैचिंग के कपड़े हैं तो मैं ये ज़रूर पहनूंगी। और वो बच्चा रास्ते पे जो स्टॉल लगाते हैं ना उस टाइप का स्टॉल लगाता है वो बच्चा। और थैंक यू सो मच बेटा कि आपने फर्स्ट आपकी जो न्यू कलेक्शन जो लाए हो वो मुझे आपने दिए। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह आपकी कमाई में बरकत दे और बहुत तरक्की दे आपको। बस ये ब्लॉग में यही ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि अब इसके बाद मैं थोड़ा फ्रेशअप होंगी, थोड़ा सा सब घर का काम करूँगी। और सबसे पहले मुझे गर्म पानी में पैर रखकर मेरा पैर क्लीन करना बिकॉज 1.25 महीने से मेरे पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तो मुझे पहले सबसे पहला तो अपना पैर क्लीन करना है। और अमीन ने मुझे रास्ते में क्या बोला कि मम्मा आप चलो मैं गर्म पानी करके टब देता हूँ, आप पैर रखो, मैं आपका पैर क्लीन करके उसके बाद में ½ एन आवर के लिए नीचे उतरूंगा 11 बजे 11:30 बजे। तो थैंक यू सो मच अगेन। मैं चाहूँगी कि अल्लाह सबको ऐसी औलाद दे। और इंशाल्लाह ये व्लॉग देखिए, मजा कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सायरा सत्तानी चैनल, बाय बाय।